तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनावी प्रचार किया और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। एक रिपोर्ट देखिए। बंदे बंदे बंदे। चुनाव की तारीख पास आने के साथ हरियाणा में चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्य की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा की और बीजेपी के लिए वोट मांगा। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने हमले का मुख्य केंद्र कांग्रेस पर रखा। उन्होंने राफेल की पूजा करने पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उसकी मानसिकता और सोच पर सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सोच को भारतीय परंपरा के खिलाफ बताया। देखा होगा जब विजयादशमी के दिन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी देश की रक्षा सेनाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस में राफेल विमान जो दुश्मन के दांत खट्टे करने की क्षमता रखता है उसका शस्त्र पूजन कर रहे थे तो कांग्रेसी हंस रहे थे। भाइयों बहनों, अपने देश की ताकत बढ़ने पर जिन लोगों को हंसी आती हो, जिन लोगों को अपने देश के गौरव और वैभव पर सम्मान की अनुभूति न होती हो, उन कांग्रेसियों से कोई उम्मीद आप करते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जिस तरह हमला बोला है उससे साफ है कि बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर रखना चाहती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।